नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कल भी हमने देखा कि काफ़ी केसेस जो कि थे 100 and something केसेस थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा आंकड़े 100 पार आंकड़े जो थे, और आज भी 69 जो कि है सिर्फ और सिर्फ SMC एरिया से 69 मामले जो कि है वह सामने आए हैं, और साथ ही साथ संलग्न इलाकों से भी 10 मामले जो कि है सामने आए हैं। SMC एरिया की बात करें तो वार्ड नंबर 10 से 1, वार्ड नंबर 30 से 2, वार्ड नंबर 40 से 8, वार्ड नंबर 43 से 3, वार्ड नंबर 6 से 6, वार्ड नंबर 39 से 2, वार्ड नंबर 41 से 6, वार्ड नंबर 42 से 1, वार्ड नंबर 4 से 3, वार्ड नंबर 31 से 2, वार्ड नंबर 38 से 3, वार्ड नंबर 11 से 2, वार्ड नंबर 43 से 1, वार्ड नंबर 33 से 1, वार्ड नंबर 21 से 1, वार्ड नंबर 14 से 1, वार्ड नंबर 8 से 3, वार्ड नंबर 2 से 1, वार्ड नंबर 35 से 7, वार्ड नंबर 46 से 2, वार्ड नंबर 47 से 2, वार्ड नंबर 28 से 2, वार्ड नंबर 7 से 1, वार्ड नंबर 24 से 2, वार्ड नंबर 26 से 2, वार्ड नंबर 23 से 1, वार्ड नंबर 17 से 1, वार्ड नंबर 25 से 1, वार्ड नंबर 5 से 1, जो कि है कुल मिलाकर 69 जो कि है SMC एरिया से मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ संलग्न इलाकों की बात करें तो माटीगढ़ा से 2, दार्जिलिंग से 7 और नक्सलबाड़ी से जो कि है 1 मामला सामने आया है। और अगर SMC एरिया की बात करें तो 69 मामले जो कि है सामने आए हैं, जिसमें से वार्ड नंबर 10 से 1, वार्ड नंबर 30 से 2, वार्ड नंबर 40 से 8, वार्ड नंबर 43 से 3, वार्ड नंबर 6 से 6, वार्ड नंबर 39 से 2, वार्ड नंबर 41 से 6, वार्ड नंबर 42 से 1, वार्ड नंबर 4 से 3, वार्ड नंबर 31 से 2, वार्ड नंबर 38 से 3, वार्ड नंबर 11 से 2, वार्ड नंबर 14 से 1, वार्ड नंबर 8 से 3, वार्ड नंबर 2 से 1, वार्ड नंबर 35 से 7, वार्ड नंबर 46 से 2, वार्ड नंबर 47 से 2, वार्ड नंबर 28 से 2, वार्ड नंबर 7 से 1, वार्ड नंबर 24 से 2, वार्ड नंबर 26 से 2, वार्ड नंबर 23 से 1, वार्ड नंबर 17 से 1, वार्ड नंबर 25 से 1, वार्ड नंबर 5 से 1, और साथ ही साथ वार्ड नंबर 43 से 1, वार्ड नंबर 33 से 1 और वार्ड नंबर 27 से 1 मामला जो कि है सामने आया है। कल भी काफ़ी 100 से ज़्यादा मामले थे, आज भी 69 मामले हैं, तो और संलग्न इलाके की बात करें तो 10 मामले हैं, और SMC एरिया की बात करें तो 69 मामले जो कि लास्ट 24 आवर्स में सामने आए हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन को जो कि फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, आंकड़े जो कि है कम होने चाहिए। जिस तरीके से कल और आज में ज़्यादा नंबर के जो आंकड़े बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ कर सकते हैं, अपने घर पर रह सकते हैं, लॉकडाउन में रह सकते हैं, और हमसे आशा करेंगे कि आप यही करेंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए SK लाइव। We'll be right back.